telephone, you feel so far away. You tell me to come over there. Sister is coming after me. हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी। आप सब में से कई लोग फिल्म की स्टोरी जानते ही होंगे, लेकिन इसकी पूरी असली कहानी नहीं। मैं आपको पूरी कहानी के साथ कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब डोना नाम की लड़की को उसकी माँ ने ये डॉल गिफ्ट की थी, जो कि उन्होंने एक सेकेंड हैंड दुकान से ली थी। डोना अपने दोस्त एंजी के साथ रहती थी और ये दोनों नर्स थे। कुछ दिनों में ही इन्हें लगने लगा कि ये डॉल अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई मिलती है, पर इन्होंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए इन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर कुछ ही हफ्तों में ये डॉल रूम तक बदलने लगी। डोना डॉल को बेडरूम पर छोड़ कर जाती और काम से आने पर डॉल काउच पर मिलती। डोना का एक और दोस्त जिसका नाम लाओ था, जो अक्सर इनके घर आता था, उसे कभी यह डॉल अच्छी नहीं लगी। उसे हमेशा ऐसा लगता था इस डॉल में कुछ अजीब, कुछ ईवल है, पर डोना ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे एनाबेल की हरकतें डरावनी होने लगी। अक्सर उन्हें चीज़ें टूटी हुई मिलती थी, उनकी पिक्चर्स फटी हुई मिलने लगी, और तो और उनको एनाबेल के हाथ में पार्चमेंट पेपर में हेल्प मी और हेल्प लाओ लिखा मिलता था, जबकि उनके घर कहीं भी पार्चमेंट पेपर नहीं था। एक दिन जब डोना काम से आई तो उसने देखा एनाबेल के हाथ में खून था और ये बर्दाश्त से बाहर था। फिर उन्होंने एक तांत्रिक के मदद से डॉल से बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला इस घर के बनने से पहले यहाँ एक मैदान हुआ करता था, जहाँ एनाबेल हिगिन्स नाम की लड़की की लाश मिली थी, और अब वो इस डॉल के अंदर है और एनी और डोना के साथ रहना चाहती है। ये जानकर डोना और एनी ने उसको अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन जब एनजी, डोना और लाओ साथ में बैठ के रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे तो उन्हें बेडरूम से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी, तो उन्हें लगा कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो तुरंत दरवाज़ा खोल के रूम पर गए। उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था, ना ही कोई चीज़ वहाँ गिरी हुई थी, बस एनाबेल डॉल रूम के कॉर्नर पर बैठी थी, जबकि डोना उसे बेड पर छोड़ के गई थी। लाओ को बहुत गुस्सा आ गया और वो डॉल की तरफ बढ़ने लगा, पर अचानक से उसके गर्दन के पीछे दर्द होने लगा, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तभी उसके चेस्ट पर जलन शुरू हो गई। उसने जब अपना टी शर्ट ऊपर किया तो उसने देखा पेट और चेस्ट पर किसी जानवर ने पंजा मारा हो ऐसा घाव हो गया है और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर सब बहुत डर गए और वहाँ से निकल गए। कुछ दिनों बाद लाओ की चोट भी गायब हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सोचा और वो एड और लॉरेन से मिले, जिन्हें एड और लॉरेन के बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं जल्द ही एक नई वीडियो लाने वाला हूँ। एड और लॉरेन उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एड और लॉरेन को ज़रा भी वक्त नहीं लगा कि इस डॉल में कोई आत्मा नहीं, कोई डीमन यानी कोई शैतान है। एड ने बताया कि डीमन चीज़ों पर नहीं, इंसानों पर काबू करते हैं, और ये डीमन डोना के अंदर जाना चाहता था। उन्होंने एक प्रीस्ट बुलाया और पूरे कमरे और घर की शुद्धि की, और उस डॉल को एड और लॉरेन अपने साथ ले गए। उनको मालूम था इस डॉल को अपने साथ लेके जाना खतरे से खाली नहीं, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने हाईवे से जाने की जगह थोड़ा शांत रास्ता लिया। उनकी गाड़ी रास्ते में बार बार बंद पड़ जाती थी और कई बार ब्रेक और स्टेयरिंग व्हील काम करना बंद कर देते, इसलिए कई बार इनको हॉली वाटर डाल के इस डॉल को शांत करना पड़ा। जब एड घर पहुंचे तो उन्होंने इस डॉल को डेस्क पर रख दिया और हर हफ्ते एक प्रीस्ट आके इस डॉल की शुद्धि करता था। कुछ दिनों में ही एड को महसूस हुआ कि यह डॉल अपने आप हवा में उड़ती है और अपने आप कमरे बदल लेती है। एड समझ गए कि ये प्रीस्ट को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उन्होंने प्रीस्ट को सावधान भी किया, पर प्रीस्ट ने एनाबेल को उंगली दिखाते हुए कहा कि तू एक डॉल है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती,
और उसी रात जब प्रीस्ट अपने घर लौट रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान बाल बाल बची। उस दिन से एड ने एनाबेल को एक वुडन बॉक्स में बंद कर दिया और उस दिन से आज तक वो उसी वुडन बॉक्स में बंद है और बाहर आने का वेट कर रही है। रिसेंटली एक कपल इसे देखने गया था तो लड़के ने इस बॉक्स के बाहर हाथ मार के कहा कि मैं ये सब नहीं मानता और इस डॉल को गाली देने लगा। जब वो कपल लौट रहे थे तो उनके बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उस लड़के की मौत हो गई, पर उस लड़की को ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और हमें कमेंट में बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।